90s के जमाने में दूरदर्शन के सबसे पॉपुलर शोज में से एक था श्रीमान श्रीमती। इस शो को लेकर लोगों की दीवानगी का आलम यह था कि इसका एक एपिसोड मिस करने पर लोग परेशान हो जाते थे। केशव कुलकर्णी की शरारतें हो या प्रेमा शालिनी की अदाएं हो, कोकी जी का भोलापन हो या दिलरुबा जी की रंगीन मिजाजी हो, श्रीमान श्रीमती के हर किरदार ने दर्शकों का दिल जीता था। किस्सा टीवी आज आपको श्रीमान श्रीमती सीरियल से जुड़ी कुछ बहुत ही रोचक और अनसुनी बातें बताएगा। अगर आप श्रीमान श्रीमती के फैन रहे हैं तो आपको हमारी ये पेशकश जरूर पसंद आने वाली है। तो फटाफट ये सफर शुरू करते हैं। श्रीमान श्रीमती की मेन कास्ट से तो हम सभी अच्छी तरह से रूबरू हैं, लेकिन इस बेहद शानदार शो को लिखने वाले राइटर के नाम से बहुत ही कम लोग वाकिफ होंगे। ये शो लिखा था श्री अशोक पटोले जी ने, जो कि साल 2015 में ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन अपने करियर में अशोक पटोले जी ने एक से बढ़कर एक टीवी शोज के स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले लिखे थे। चूंकि अशोक पटोले महाराष्ट्रियन थे तो इन्होंने मराठी भाषा के कई लोकप्रिय और चर्चित शोज व फिल्मों की कहानी लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे थे। श्रीमान श्रीमती में अर्चना पूरन सिंह और राकेश बेदी हस्बैंड वाइफ बने थे। अर्चना के कैरेक्टर का नाम था प्रेमा शालिनी और राकेश बेदी के कैरेक्टर का नाम था दिलरुबा। शो में राकेश बेदी अपनी पत्नी प्रेमा शालिनी को डॉल कहकर पुकारते हैं और प्रेमा उन्हें दिल कहती हैं। एक इंटरव्यू में अर्चना ने इस बारे में बात करते हुए कहा था कि एक दिन शूटिंग से ब्रेक लेकर वो राकेश बेदी और कुछ दूसरे एक्टर्स के साथ बैठी थी। इसी बीच उन्होंने राकेश बेदी को दिल कहकर पुकारा। इत्तेफाक से राकेश बेदी ने भी अर्चना को उस वक्त जवाब में डोल कहकर संबोधित किया। शो के डायरेक्टर राजन वगधारे भी उस वक्त वहां मौजूद थे और ये सारा वाकया उनके सामने ही हुआ था। उन्होंने तभी ये फैसला कर लिया कि अब से शो में प्रेमा शालिनी और दिलरुबा एक दूसरे से दिल और डोल कहकर ही बात करेंगे। श्रीमान श्रीमती के कुल 143 एपिसोड दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुए थे। ये शो बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। शो का हर किरदार अपने आप में खास था। एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह का निभाया प्रेमा शालिनी का रोल भी शो में बहुत अहम था। कहना चाहिए कि अर्चना पूरन सिंह को उस जमाने में भारत के घर घर में मशहूर इसी रोल ने किया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ दिनों के लिए श्रीमान श्रीमती में अर्चना पूरन सिंह की जगह एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने प्रेमा शालिनी का रोल निभाया था। दरअसल अर्चना पूरन सिंह प्रेग्नेंट हो गई थी और जब अर्चना को डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट की सलाह दी तो मजबूरन उन्हें कुछ दिन के लिए ब्रेक लेना पड़ा। अर्चना की जगह नीना गुप्ता को प्रेमा शालिनी का किरदार निभाने के लिए शो के मेकर्स लाए थे। बाद में जब अर्चना की डिलीवरी हो गई और वो फिर से काम पर आने के लिए तैयार हो गई तो नीना गुप्ता की जगह फिर से अर्चना प्रेमा शालिनी का रोल करने लगी थी। कहा जाता है कि नीना गुप्ता को कॉमेडी में मजा नहीं आ रहा था, इसीलिए अर्चना के आते ही उन्होंने तुरंत श्रीमान श्रीमती छोड़ दिया और फिर जल्दी से दोबारा किसी कॉमेडी शो में काम नहीं किया। श्रीमान श्रीमती में दिलरुबा जी का रोल निभाने वाले एक्टर राकेश बेदी को शुरुआत में अपना कैरेक्टर इस्टेब्लिश करने में बहुत परेशानी हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि स्क्रिप्ट में दिलरुबा का किरदार जिस तरह से लिखा गया है उसे वो प्रिपेयर कैसे करें। इसी दौरान अपने एक एक्ट्रेस दोस्त की शादी में राकेश बेदी का जाना हुआ। राकेश ने जब अपनी उस एक्ट्रेस दोस्त के पति को देखा तो उन्हें लगा कि उसमें कुछ अलग ही अदा है। राकेश बेदी को एहसास हुआ कि दिलरुबा का किरदार भी तो कुछ इसी तरह का है। बस यहीं से उन्हें प्रेरणा मिल गई। आगे चलकर श्रीमान श्रीमती में राकेश बेदी का निभाया दिलरुबा का किरदार भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया। श्रीमान श्रीमती की शूटिंग मुंबई के जुहू में मौजूद एक बंगले में हुई थी।
शो में तो हमें दिखाया जाता है कि प्रेमा शालिनी और केशव कुलकर्णी एक दूसरे के पड़ोसी हैं और आमने सामने के घरों में रहते हैं, लेकिन असलियत में प्रेमा शालिनी की बालकनी की शूटिंग उस बंगले के गार्डन में ही होती थी। शो के डायरेक्टर राजन वगधारे अर्चना के सीन्स को लो एंगल क्लोज कैमरा शॉट्स में रिकॉर्ड करते थे। इससे लगता था जैसे अर्चना जमीन पर नहीं बल्कि किसी बालकनी में खड़ी है। इतना ही नहीं, केशव कुलकर्णी के ऑफिस वाले सीन्स भी उसी बंगले में ही शूट हुआ करते थे। श्रीमान श्रीमती कितना खास शो था, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा लीजिए कि जब भी इस शो की नकल करने की या फिर इसका रीमेक करने की कोशिश की गई, वो कोशिशें कभी भी कामयाब नहीं हो सकी। जो बात पुराने श्रीमान श्रीमती में है, वो इसके किसी भी रीमेक में देखने को नहीं मिली। साल 2005 में सब टीवी पर आज के श्रीमान श्रीमती नाम से एक सीरीज शुरू हुई थी। उस सीरीज में केशव कुलकर्णी जैसा किरदार तारक मेहता वाले दिलीप जोशी ने निभाया था, लेकिन जनता को ये शो ओरिजिनल श्रीमान श्रीमती के आसपास भी नहीं लगा। आखिरकार वो शो बंद ही हो गया। साल 2018 में तो श्रीमान श्रीमती फिर से नाम से एक और सीरीज आई थी, लेकिन ये सीरीज भी बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई थी।